मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब जिस उम्र में, मतलब मेरे एज में सब शादी के लिए लोग घर वर बेचते थे, जमीन बेचते हैं, तो मम्मी पापा ने जमीन वगैरह बेच के, मम्मी ज्वेलरी बेच के, सब कुछ। जिस बैकग्राउंड से आती थी वहां मतलब ऑफिसर बनना इज लाइक, मतलब गवर्नमेंट जॉब ही बिहार में हमारा एक अलग ही क्रेज है। हे एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम ही है कि बहुत बार हम लोग ऐसे कई सारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे बच्चे जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवेज हो, उन सब का हम लोग एक डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, सो दैट और भी बहुत सारे बच्चे जो है उनसे इंस्पिरेशन ले सकें। क्योंकि सबकी लाइफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि होते हैं, लेकिन रिसेंटली जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया होता है पिछले 1-2 साल के अंदर, तो काफी सारे चैलेंजेस काफी कॉमन होते हैं, तो वो हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो मेरे साथ में है आशी, और आशी अभी 2023 सीजीएल में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और अभी 4-5 महीने पहले इन्होंने ज्वाइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट? और 19th रैंक, आई गेस 19th रैंक है जो कि इनकी 2023 के अंदर इन्होंने स्कोर किया था। तो जानेंगे कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में, कैसे कैसे प्रिपरेशन करी, क्या क्या चैलेंजेस आए, और आप लोग कैसे जो है वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो वेलकम आशी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ऑफिस से आने के बाद में वी आर हैविंग ए डिस्कशन, तो हाउ योर डे, कैसा था दिन? टफ था, इजी था, नॉर्मल था, कैसा बस नॉर्मल डेज चल रहे हैं अब तो जॉब के। था? ठीक है, तो कैसा रहा आशी, जर्नी कैसे रही? मतलब ऑब्वियसली देखो, हम जब जो भी हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, वो हमारे लिए सपना होता है ना, बहुत बड़ा सपना होता है जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं, उसको क्रैक करेंगे एक दिन, उसको ज्वाइन करेंगे, है ना। तो हाउ योर लाइफ स्टार्टेड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से शहर में आपकी एजुकेशन हुई है, स्कूल कहाँ से कवर किया है, कौन से सब्जेक्ट से कवर किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपसे पहले भी पढ़ चुकी हूँ, जब आप वाईफाई स्टडी चलता था तो मैं एनटीपीसी में रेलवे का भी प्रिपरेशन करती थी उस टाइम, तो मैं आपसे रेगुलर हाँ पढ़ी हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके बाद हाँ जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है, मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ और वहीं से पूरी पढ़ाई मैंने की है, और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ प्योर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से। फिर वहां से मैं पटना गई थी प्रिपरेशन करने के लिए, वहां भी मैं रूम लेके, ताकि मतलब घर का थोड़ा अलग माहौल हो जाता है, तो मैंने वहां प्रिपरेशन किया और फिर देन आई एम हियर। तो आपने 11th 12th में क्या था, कॉमर्स था, ह्यूमैनिटीज था, साइंस मैथ था? साइंस 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 लिया मैथ, था। साइंस के साथ बायोलॉजी की मैथ? मैथ मैथ ओके, तो 12th करने के बाद आपने ग्रेजुएशन में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी आपने, या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी? नहीं, सेकेंड ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, ओके, सेकेंड ईयर में। और मैं सी एच एस एल, एम टी एस, ये सारे फॉर्म मतलब फिल करती थी उस टाइम तक। यहाँ पे 12th एलिजिबिलिटी है, वो सारे आपने फिल करना स्टार्ट कर दिया था ताकि हाँ एग्जाम का आपको जी एक क्लियर जो है वो पता लग जाए, ठीक है। तो आपने और ग्रेजुएशन कौन से साल में कंप्लीट हुई आपकी? 2019 में मैंने कंप्लीट किया है, और फिर उसी साल मैंने सीजीएल फॉर्म फिल किया था, और मुझे फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट वो मेरा था, और उसमें मुझे टीए मिला था, टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स। ओके, तो आपने वो ज्वाइन किया था, किया होगा ऑब्वियसली, हाँ यस सर, मैंने ज्वाइन किया था, ऑफ कोर्स दिस वाज माय फर्स्ट जॉब, राइट और राइट, मेरे लिए मतलब मैं बहुत ही साधारण फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे लिए वो काफी ये था कि बस किसी तरीके से जॉब हो जाए, जॉब लग जाए। मतलब हाँ, किसी तरीके से जॉब हो जाए। उसके बाद फिर 2020 में मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें मुझे अकाउंटेंट मिला था, 2800 GP। फिर मैंने 6 महीने वहां वर्क करके वहां ज्वाइन किया, फिर 2021 मैंने दिया ही नहीं, 2022 दिया मैंने, जिसमें मैं फेल हो गई थी, अच्छा, और फिर मैं 2020 हाँ मैं फेल हो गई थी, सच में हो गई थी फेल। और फिर मैंने फिर से प्रिपरेशन सब कुछ स्टार्ट करके, माइंड में वही सब रख के, क्योंकि मतलब इट्स नॉट लाइक कि SSC मेरे लिए कभी ऑप्शन रहा ही नहीं। मतलब राइट ऐसे लोग बोलते हैं कि मुझे तो सडनली पता चला कॉलेज में, तो तब मैं ऐसे, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे SSC रेलवे ये सब में मतलब जाना ही था कि मुझे मिल जाए, ये मेरा ड्रीम ही था। तो बस एक अंदर से माइंड में ये था, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती थी वहां मतलब ऑफिसर बनना इज लाइक, मतलब गवर्नमेंट जॉब ही बिहार में हमारा एक अलग ही क्रेज है, अच्छा, तो मतलब हमारे लिए वो था कि ऑफिसर। हाँ मेरे लिए पहले जरूरत ऐसी थी कि क्लर्क, MTS कुछ भी बन जाओ, बस मेरे को जॉब मिल जाए। लेकिन जब जैसे जैसे मैं पढ़ते गई तो मुझे खुद पे लगने लगा कि मैं ऑफिसर क्यों नहीं बन सकती हूँ, ASO भी तो मतलब मेरे लिए हो सकता है। तब हाँ तो फिर बिल्कुल, मैंने 2023 में जितना कोशिश हुआ मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, नाउ आई एम हियर। मतलब 19th रैंक बहुत अच्छा नंबर है, मतलब बहुत काफी काफी है, बड़ी बात है, इट्स नॉट ए इजी टास्क। नॉर्मली लोग, ठीक है, वैसे भी कॉम्पिटिशन टू हाई, 10,000 8,000 वैकेंसीज के अंदर,
मतलब लोग तो 7,000 के अंदर भी बड़े खुश हैं, तो आपने 19th रैंक क्रैक किया, ये तो खैर बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है। क्या चैलेंजेस रहे स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, मतलब क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इजी था प्रिपरेशन, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, फैमिली फादर क्या करते हैं? का सपोर्ट तो मेरे फादर बिजनेसमैन थे, मतलब अभी उनका तबीयत खराब है तो अभी वो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा। फाइनेंशियली आप साउंड थे, कोई दिक्कत नहीं थी परिवार में, चाहे आपको बिहार में रहना पड़े, चाहे वहां पे 10 साल 5 साल, फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, रूम रेंट हो गया, जो बाकी अकोमोडेशन हो गया पढ़ाई के लिए, 4 साल 5 साल। फैमिली सपोर्ट था बट फाइनेंशियली हम, मतलब जैसे मैंने कहा कि काफी मिडिल क्लास से हम बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए बहुत टफ था। लेकिन मम्मी पापा मेरे बहुत बहुत अच्छे रहे हैं, मतलब बिहार में रह के भी उनका माइंडसेट इतना चेंज रहा है, इतना अलग रहा है कि मतलब जिस उम्र में, मतलब मेरे एज में सब शादी के लिए लोग घर वर बेचते थे, जमीन बेचते हैं, तो मम्मी पापा ने जमीन वगैरह बेच के, मम्मी ज्वेलरी बेच के, सब कुछ करके मेरे लिए, मेरे को पढ़ाया है। बहुत मुश्किल से मेरे को पढ़ाया गया है, मतलब इतना इतना आसान मेरे लिए रास्ता नहीं रहा है, बहुत कुछ मम्मी पापा ने पे लगा दिया। दांव पे लगा के आपको पढ़ने के लिए भेजा था, बहुत हाँ बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है, हाँ ग्रेट। और उसके बाद में आपके फैमिली के अंदर कोई है गवर्नमेंट जॉब के अंदर पहले से, गाइडेंस कहाँ से मिली, कैसे करना है, क्या करना है? नहीं, गाइडेंस नहीं मिली, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे एएसओ बनते बनते इतना टाइम लग गया, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी किया था उस टाइम ज्यादा यूट्यूब वगैरह का ये था नहीं कि बहुत ज्यादा, हाँ यूट्यूब वगैरह, और ज्यादा मेरे पास ना मोबाइल, ज्यादा मतलब ये सब ज्यादा एक्सेस नहीं हमारे पास होता था, तो यही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण मुझे लगता है कि मुझे तीसरा अटेम्प्ट में मेरा हुआ है। अगर गाइडेंस पहले से रहता तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल था, जैसे कि अब हो गया है, सब कुछ अवेलेबल हो गया है, मतलब सब कुछ बहुत आसान अब हो गया है। तो आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, सबसे पहले जब आप सेकंड ईयर में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो कैसे स्टार्ट करी, क्या फर्स्ट स्टेप क्या था, कहाँ से स्टार्ट करी? अगर लेट्स से फर्स्ट अगर स्टेप, कोई आपके जैसे कोई नहीं, कोई एक एक लड़की है जो कि अभी इंस्पायर कर रही है कि मेरे को किसी शहर से, किसी गाँव से शहर में आना है और मुझे फर्स्ट डे मुझे किताब उठानी है, तो मेरे को प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? लेट अगर मैं 5 स्टेप की बात करूँ, अगर किसी भी नए बच्चे के, अज्यूम करते हैं कि आज आपकी जैसे ही कोई लड़की जो है वो किसी शहर में पढ़ने आ रही है और उसको 5 स्टेप के अंदर आपको बताना है कि ये चीजें स्टार्ट करनी है बिगनर के लिए, जिसको अभी एबीसीडी कुछ भी नहीं पता, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, आपने कैसे स्टार्ट किया था? मैंने जो स्टार्ट किया था मैं उस तरीके से नहीं बताना चाहती हूँ आगे की पीढ़ियों को, क्योंकि मेरे टाइम में एक्सेस नहीं था मोबाइल का इतना, मेरे टाइम में ऑफलाइन क्लासेस होते थे, लेकिन अब चेंज हो चुका है। तो अब के तरीके से मैं बताती हूँ, कोई भी जो स्टार्ट करना चाहता है, जिसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, भाई बहन किसी का भी आसपास का, वो मोबाइल पे सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन अब इतना ज्यादा उपलब्ध हो गया है कि आपको लिमिटेड आपको करना होगा। एडिट करना जरूरी है। हाँ, आपको उसमें से बेस्ट ढूंढना है, ये भाई नहीं कि, क्योंकि मतलब 10 में से 8 तो ऐसे ही है, बस उनको व्यूज चाहिए और ये वो। हाँ तो एक वो है कि अब इस पे ध्यान देना है कि आपको क्वालिटी चाहिए, हाँ आप उसके पीछे मत भागो। तो अभी तो जो भी आएगा तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि इसके बारे में जानो, नोटिफिकेशन पढ़ो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों का क्या होता है कि वो नोटिफिकेशन भी आता है तो वो पढ़ना नहीं समझते, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे। तो हाँ, तो खुद से करो, खुद पे ये करो। और अभी तो मैं कहती हूँ कि जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए भी इतना इजी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी इतने आ गए हैं, मतलब इतना अच्छा हो गया है, आप फ्री में भी नॉलेज ले सकते हो और प्रिपरेशन करके कंप्लीट भी कर सकते हो। तो पहले से अब बहुत बेटर हो गया है, आप आराम से एसएससी के बारे में देखो, फिर एक एम बनाओ कि कौन सा पोस्ट आपको लेना है, मतलब बहुत सारे पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होते हैं, तो वो सब सब कुछ देख के एक एम बना लो कि हाँ भाई ये पोस्ट लेना है, दीवार में चिपका दो। उसके बाद जो जैसे जो टॉपर्स होते हैं, जो पहले से क्लियर कर चुके हैं, या फिर जिनको बहुत एक्सपीरियंस है 3 साल 4 साल का, उनसे उनका एक आख हाँ एक आख दो इंटरव्यू देखो, उससे ज्यादा मतलब मुझे ऐसे ही लगता है कि लिमिटेड करके तो आप बना लो कि हर सब्जेक्ट वाइज मुझे ये करना है, एक एक टीचर आप देख लो, अगर उनसे रेगुलर पढ़ो, उसके बाद ज्यादा झांकते मत रहो, पता चला कि डेली आप यही कर रहे हो कि हाँ सोर्सेस लिमिटेड करके, और उसके बाद फिर, और इसमें सबसे जो मेन चीज होता है, कंपोनेंट होता है, वो सर मैं समझती हूँ कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अगर जिस भी बच्चे के पास कर रहा है, जो कर रहा है वो कभी हार ही नहीं सकता, भले वो दे सके। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब जिस पे मैं बिलीव करती कि मेरा हो जाएगा, मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम प्योर, इंग्लिश मेरे लिए मतलब एक बुरा ख्वाब जैसा था, बहुत बहुत मतलब इंग्लिश के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत होता है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े रहते हैं,
क्योंकि हमें नहीं पढ़ाया जाता है इंग्लिश, बहुत टफ होता है न्यूज़पेपर पढ़ना और ये करना, लेकिन उसके बावजूद भी ये माइंड में सोच के तो वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरा सबसे जो मेन चीज रहा वो हार्डवर्क रहा, हार्डवर्क रहा, हार्डवर्क पे बिलीव करो आप। हाँ मतलब ये मतलब ऐसे चालबाजी जैसा मत क्या करो, 10 मिनट पढ़ा फिर आधा घंटा ये वो, खुद पे कंट्रोल करके पढ़ो, जरूर होगा। कहाँ से स्टार्ट किया आपने, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? मैथ तो चलो आपका इंग्लैंड 12th में आपके पास मैथ था, तो आपका मैथ इतना डिफिकल्ट नहीं है उन बच्चों के लिए जिनके पास साइंस मैथ होता है जनरली। लेकिन आपका इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, जो कि जीके हम लोग 12th तक नहीं पढ़ते ये, उसके बाद में तो जीके कैसे प्रिपेयर किया या फिर इंग्लिश कैसे प्रिपेयर किया, कितना टाइम डिवोट किया आपने? अगर लेट से एक दिन में अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो या 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो कितना टाइम आपने इंग्लिश को दिया, कितना टाइम आपने जीके को दिया, कैसे डिवाइड किया? सर ये मुझे लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिनका जो चीज वीक है, जैसे मेरा मैथ हमेशा से स्ट्रांग रहा है तो मैं मैथ में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ, मतलब कम भी दूंगी तो मेरे अच्छे मार्क्स आए नहीं, नहीं, तो लेकिन क्या मेरा आपका ऑलरेडी इंग्लिश बहुत बैकग्राउंड वीक में रहा है। है तो हाँ दिक्कत नहीं आएगी। सही हाँ बात। तो मैं इंग्लिश के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, जैसे इंग्लिश मेरा वीक था तो मैं डेली 3 से 4 घंटा इंग्लिश में देती थी, मुझे पढ़ना होता था कि भाई रट्टा मारो जो भी करो बट मुझे मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। लाइक जैसे मेरा एक ये भी प्रॉब्लम है कि मुझे याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, मैं वैसी नहीं हूँ कि एक बार पढ़ा याद कर लिया तो मैं, और मैं जैसे जीके जो मैंने मेनली लूसेंट से कवर किया था तो आप मतलब कम से कम मैंने जीके मुझे लगता है लूसेंट मैंने 10 से ज्यादा बार कंप्लीट किया है, इतनी ओके मतलब वो बुक, एक मेरा लूसेंट बुक फट ही चुका था तो मैं दूसरा लिया है, दूसरा से पढ़ा है, तो हर कुछ बार बार रिविजन करके जो मेरी कमियां थी उसको मैंने स्ट्रेंथ बनाया है कि जो जो कमियां है उस पे वर्क करो, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कितना मॉक इंटरव्यूज कितने, मॉक टेस्ट कितने दिए, कितने टेस्ट टीयर 1 टीयर 2 की तैयारी अलग से करी? जैसे मैं अभी कुछ बच्चों को अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ या कुछ, तो मेरे से हमेशा बच्चे पूछते हैं, जैसे मैं यूपीएससी वाले बच्चों को बोलता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी होती है, अलग अलग कुछ नहीं होता है। तो टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर आपको क्या, आपने जैसे अभी एसओ का जो एग्जाम दिया, लास्ट वाला जो एग्जाम दिया, तो इसके अंदर आपने अलग से प्रिपरेशन कर रहे थे या एक साथ ही कर रहे थे, क्या था स्ट्रेटेजी, क्या था? बिल्कुल नहीं, अलग अलग करने का कोई सवाल ही नहीं है, बस टीयर वन मिला और टीयर टू का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस बढ़े हैं और अलग अलग ये हुआ है। जीके भी पहले क्या होता था, मेंस में नहीं आता था, लेकिन अब मेंस में आने लगा है, तो अब जीके भी आप सोचोगे मेंस के लिए अलग क्या पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है, वही लिटरली वही क्वेश्चंस आएंगे उधर से ही आएंगे, आपको कुछ अलग नहीं करना। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कोई भी बच्चा एस्पिरेंट स्टार्ट कर रहा है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चले, अगर वो सोचेगा मैं मेंस आएगा तब मेंस का अलग से करूंगा तो मुझे नहीं लगता, मेंस का राइट जो टाइम मिलता है जैसे अभी का जो टाइम मिला है वो मुझे लगता है बस रिवाइज करने के लिए मिलता है, आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता मेंस में। कितने मॉक टेस्ट लगाए टीयर 1 से पहले, टीयर 2 से पहले, कितने टोटल मिला के? एनी ये मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, लेकिन आइडिया, टीयर जैसे वन कि के लिए मैंने बहुत पर डे 1 लगाया, पर डे 2 लगाया, कितने टाइम पहले से आप स्टार्ट कर रहे थे हाँ मॉक टेस्ट लगाने? हाँ मॉक के लिए मुझे हमेशा लगता है कि जैसे कि दो मॉक के 2 महीने पहले के बारे में बता रही हूँ, जैसे मैं 6 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो मॉक के 2 महीने पहले तक आप सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट लगाओ इट्स ओके, बट जैसे ही एग्जाम आपके नियर बाई आए, 2 महीने अब बचा है आपके एग्जाम में, तब आप मॉक जो है ज्यादा लगाना स्टार्ट कर दो। और ये भी डिपेंडेंट करता है, दो तरीके के बच्चे होते हैं, पहले वो जिनको टाइम टेबल में इशू होता है मतलब कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता उनको, वैसे बच्चे मॉक पे बहुत ज्यादा केयर करें, वो वीक में 3 या 4 लगाए, और जिनका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका था क्योंकि मैं 2019 से कर रही थी तो मैंने प्रीलिम्स के लिए कम लगाए लेकिन मैंने मेंस के लिए बहुत लगाए हैं क्योंकि मुझे डर था 2022 में मैं फेल हो गई थी तो मुझे पूरा मतलब मेरे अंदर वो खौफ था कि मैं नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने बहुत मॉक टेस्ट लगाया, मतलब मुझे कम से कम तो मुझे लगता है 20 25 30 लगाए होंगे मैंने। ओके, सही है। और कौन कौन से सीजीएल पे प्रेफरेंसेस का, क्या क्या आपने, क्या क्या प्रेफरेंसेस भरी थी आपने सीजीएल की पोस्ट के लिए? प्रिफरेंसेस में मैंने एएसओ ही सबसे पहले एएसओ इन एमईए ही फिल किया था क्योंकि आंसर की देख के एक आइडिया लग गया था कि हाँ जो भी चाहूंगी वो मिल जाएगा, तो मेरे माइंड में बस वो एक वही था कि एमईए अगर मिल जाए तो इट्स बेटर। उसके बाद फिर मैंने सीएसएस, मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा है, मेरा स्टार्टिंग मुझे पता था कि मुझे यही मिल जाएगा क्योंकि रैंक वैंक देख लिया था मैंने कि हाँ इतना आ रहा है तो आइडिया था कि ये मिल जाए, एक्चुअली मेरे माइंड में ही यही था कि मुझे 4600 GP का कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए, लेकिन ये एमईए में एक फॉरेन अलायंसेस और फॉरेन का थोड़ा ये है तो चलो ठीक है इसमें एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। नहीं, बेटर है, काफी बेटर है कंपैरेटिवली बाकी सबसे। कैसा है अभी जॉब का प्रोफाइल, कैसा है, क्या क्या पर्क्स है, क्या क्या बेनिफिट है? 3 मुझे पॉजिटिव बता दो, 3 मुझे नेगेटिव बता दो। तीन पॉजिटिव आपको बताऊं तो
एक तो सोसाइटी में थोड़ा आपका जो इज्जत होता है, और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है, जो बाकी के दो जॉब में मुझे नहीं एमबीए लगा एमबीए की बात कर वो रहा हूँ मैं, कि आपके आपके प्रेफरेंस मतलब एमबीए के स्पेशली, नॉट हाँ अबाउट हाँ द हाँ गवर्नमेंट जॉब, या टॉकिंग अबाउट आपके स्पेशली आपकी पोस्ट के ऊपर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो आप हाँ तो करो इसमें वहां पे मुझे, एक्सपीरियंस हाँ एमईए में मत। सबसे अच्छा मुझे एक चीज सब ये लगता है कि मुझे डेली मोटिवेशन मिलता है। यहाँ के जो ऑफिस बने हुए हैं, एक साउथ ब्लॉक और दूसरा ये जेएनबी के बना हुआ है, तो वो डेली मैं जाती हूँ और डेली देखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि जब टूरिस्ट लोग आ रहे हैं देखने के लिए और मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ, तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है खुद ही पे कि इतनी अच्छी जगह मैं काम करती हूँ। दूसरा ये कि फॉरेन अलायंसेस, मतलब ये तो है ही कि आपको फॉरेन जाने का भी एक अलग से आपको मिल रहा है बेनिफिट्स, जो कि बाकी सब जॉब में नहीं है, सिर्फ इसमें है, नहीं एमईए चूज करते हो तो। हाँ, और तीसरा ये कि मुझे लगता है कि जैसे लोग जानते हुए कि गवर्नमेंट जॉब करके आप बहुत बड़े बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में एक मतलब एक नॉर्मल सैलरी होता है, लेकिन मुझे लगता है ये रिस्ट्रिक्ट एमईए का, हाँ एमईए का जो एक ये एफपी का जो है, उससे काफी आप बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब ये मेरे को लगता है ऐसा डेफिनेटली, कि थोड़ा क्योंकि बहुत ऊपर जा सकते हो आप। हाँ नहीं डेफिनेटली काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और अगर आप फॉरेन कंट्री में कहीं पर डिप्लोमेट बनते हो या आपकी पोस्टिंग होती है तो देर इज मतलब यूएन तक जा सकता है इंसान, तो वो एक काफी अच्छी चांस है जो कि देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी बच्चे को स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, तो कौन सी चीजें आप 5 ऐसी चीजें रिकमेंड करिए जो बच्चे को करनी ही करनी है, और ऐसी कौन सी 3 चीजें जो नहीं करनी है, बिल्कुल भी मत करना। ऐसे स्टार्ट करते हैं अपन 5 चीजों से जो एक बच्चे को करनी ही करनी है जो स्टार्ट कर रहा है अपनी प्रिपरेशन, फोकस होके उसको 5 चीजें क्या रिकमेंड करोगे? नंबर 1, जब आप स्टार्ट करो तो एक जो आपका एम हो, सबसे पहला चीज जो बेस होता है जब आप स्टार्ट करो, और आपका जो एम है उसको एक अच्छे तरीके से, कभी भी किसी दोस्त वोस्त के कहने पे कोई अपना एम मत सेट करो कि मेरे दोस्त ने कहा एसएससी का प्रिपरेशन करने, तब आप अपने मोटिव के साथ करो। जैसे मेरा मोटिव बहुत स्ट्रांग था कि मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे सच में ऑफिसर बनना है, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ड्रीम जॉब, तभी मैं कहती हूँ कि सच में मेरे लिए ये ड्रीम जॉब है कि नहीं मुझे बिल्कुल ऑफिसर बनना था, ये मेरे अंदर का था, मैं कभी कोई सीरियल या फिर कोई दोस्तों के देख के नहीं किया था, तो मेरा मोटिव बहुत स्ट्रांग था। तो जब मोटिव बहुत स्ट्रांग रहता है ना, तो मुझे लगता है कि आप फिर उसके लिए मेहनत करने के लिए भी ये होते हो। दूसरी चीज ये कि अगर आप आ रहे हो गवर्नमेंट जॉब में, तो मतलब अगर ऐसे अपने भाषा में बोलूँ तो मतलब बहुत बहुत भारी और बहुत स्ट्रांग आपको हर्ट करके आना पड़ेगा। हो सकता है कि आप 10 बार फेल करें, तो आपको इतना स्ट्रांग बन के आना है कि मैं 10 बार फेल करूंगा, इट्स ओके, मैं 11वां बार फिर चढ़ूंगा, मैं फिर करूंगा, ये चीज। दूसरा चीज, क्योंकि ये सब बेसिक चीज है, बहुत सारे बच्चे आते हैं बहुत हिम्मत के साथ और फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ कि बस बोरिया बिस्तरा बंद किया, मुझे घर जाना है, मेरा नहीं होगा, नहीं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हो तो कलेजा पत्थर कर रखो, मतलब कि बहुत स्ट्रांग बन के आओ, पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं भी, मेरे पास मैं बहुत मतलब पेशेंसफुल लड़की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एसएससी में आने के बाद मेरे अंदर इतना पेशेंस आ गया है, एसएससी ने मेरे को लाइफ लेसन सिखा दिया है। तीसरी नहीं चीज ये कि जो भी, वही मैं अभी जो भी इतने सारे बच्चे और मतलब मैं देख रही हूँ आसपास, लोग इतना मतलब ये हो रहा है ना, जो सोर्सेस इतना ज्यादा बढ़ गया है, मतलब 10 10 स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं, उनके पास सोर्सेस और डिस्ट्रैक्शन का भी बहुत ज्यादा ये हो गया है, तो लिमिट यूट्यूब करना पे, सोशल पड़ेगा। मीडिया पे। हाँ, आपको लिमिटेड करना पड़ेगा, आपको खुद को रोकना है। आपकी वजह से इंस्टाग्राम बंद नहीं होगा, आपकी वजह से सोशल मीडिया थोड़ी बंद होगा, वो तो अपना अपना सब काम कर रहे हैं, आपको लिमिटेड करना है। कोई टीचर अगर देख लिया आपने कि इन पे मेरे को भरोसा है, ये अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हीं तक सीमित रहो, ये नहीं कि इनके बाद उधर, उधर के बाद उधर करते रहो, ये बहुत गंदी मतलब आदत हो जाएगी आपकी, और फिर आप रियल में पढ़ नहीं पाओगे ये। और चौथा चीज, तो सच प्रिपरेशन कर रहे हो आप बहुत, ये लिमिटेड सोर्सेस, अगर आप जैसे मैंने कहा ये सारी बातें मान के आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद मैं जब पढ़ाई के प्रोसेस में मैं बताती हूँ, तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सच में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोगे तो एक आइडिया आपको लगेगा कि हाँ किस तरीके से ये काम हो रहा है, किस तरीके से ये हो रहा है। और पांचवा चीज जो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी बच्चा जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा है, वो अगर मतलब अगर नहीं हो रहा है या फिर ऊपर नीचे हो रहा है, आपका नहीं बन रहा है या फिर रिजल्ट नहीं बार बार हो रहे हैं, तो आप कोई कोई बहुत जिद हो जाता है कि नहीं मैं भरूंगा तो सीजीएल का ही फॉर्म भरूंगा, नहीं होता तो सीएचएसएल भी फिल करके देखो, ये सारे फॉर्म्स भी फिल करो, जिसमें हो जाए एक्सपीरियंस वो ठीक है। हाँ तो मिलता ही है, एटलीस्ट आपको अपना एक्यूरेसी स्पीड बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिकोड करने को मिलती है। हाँ सो अगर मैं इन 5 चीजों को अगर मैं डिकोड करूं अगर मैं शॉर्ट के अंदर, तो फर्स्ट आपको अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा वैकेंसी फिल करना है, क्या आपका प्राइम पर्पस है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कॉन्टेंट आपको लिमिटेड करना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्शन है। तीसरा, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा, आपको हार नहीं माननी है, 5 बार भी फेल होंगे 7 बार भी फेल होंगे,
और जो पांचवा है वो ये कि अगर कोई भी एग्जाम अगर आपका लेट से सीजीएल नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, आप सीएचएसएल भी ट्राई करो, बाकी भी दो। अगर आपका एक बार वो हो जाता है तो आपको एक बार थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है दूसरा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये पांच एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मुझे लगता है, मतलब जो कि आपने बताई और जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच आशी, आपके काफी सारी चीजें हैं जो कि आपने बताई एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए। और डेफिनेटली इस वीडियो से मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लड़कियां, बहुत सारे ऐसे लड़के जो कि अभी सिर्फ 18 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे डिकोड करना है, एग्जाम क्रैक करना है। और डेफिनेटली इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि वो बच्चे जिनका सिर्फ गोल था एग्जाम क्रैक करना, उनसे वो अच्छी रैंक लाने को लेकर मोटिवेट होंगे। सो थैंक यू सो मच आशी, बिल्कुल होपफुली वापस से कभी जयपुर आइएगा, डू लेट मी नो, विल मीट। और कभी अगर आपको जयपुर आना हो ओके तो कभी भी कनेक्ट करना, एनी सर, टाइम यू आर मोस्ट वेलकम इन जयपुर। थैंक ओके सर, थैंक यू सर, यू ओके। सो मच आशी।